होंगे। तो आज का वीडियो, आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है मम्मा के घर से, बल्कि मम्मा के किचन से। मम्मा के किचन रेनोवेट तो हो गया था, बस कुछ फिनिशिंग टच रह गए थे, तो वो आज और कल में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें फिनिशिंग में हुई हैं किचन। किचन माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। मम्मा ये लाइट लेके आई और ये किचन पहले सूना सूना सा लग रहा था, लाइट्स वाइट्स लग के। और ये देखे जाए ना, और मम्मा ने बनाई है निहारी। तो आज का डिनर है मम्मा के घर पे निहारी का। मम्मा ये तड़का लगा रही हैं हम यहाँ पे। और ये मम्मा कुछ जार्स लेकर आई, ऑयल की बॉटल और वो मिट्टी की हांडी। माशाल्लाह ये चल रही है भाई यहाँ पे रमज़ान की तैयारी। ये देखिए अब मैं दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह किचन लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डिनर। मम्मा ने बहुत ही मज़े की बीफ की निहारी बनाई थी, साथ में तंदूर की रोटी थी, और जब साथ मिलके सब खाएं तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। तो बस हम कर रहे हैं अपना डिनर इन्जॉय, और बहुत ही मज़ेदार सी ये निहारी बनी थी, चटपटी सी, तो खाने का तो मज़ा ही आ गया था। और जनाब यहाँ हो गया था नेक्स्ट डे, दोपहर का टाइम हो रहा था, और मैं यहाँ पे दही बड़ों के लिए माश की दाल और मूंग की दाल भिगो के रख रही थी, क्योंकि इसे 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं फर्मेंट होने के लिए। तो बस मैंने 1 कप मूंग की दाल ली है तकरीबन, और 2 कप माश की दाल ली है। इसे अच्छे से धो के भिगो देंगे। बहुत से लोग भिगोते टाइम थोड़ा बहुत सोडा वगैरह डालते हैं, लेकिन मैं कुछ भी ऐड नहीं करती, ये वैसे ही बहुत अच्छी फर्मेंट हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं रोल्स की फिलिंग बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ बारबेक्यू रोल्स, चिकन बारबेक्यू रोल्स, और थोड़े से ऑयल में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है, अच्छे से भून लिया। उसके बाद जो भी सारी हमारे पास चाइनीज़ सब्ज़ी थी, आप कोई भी सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर यूज़ किए। इसे अच्छे से तेज़ आँच पर इसका पानी ड्राई कर लेंगे, इससे हमारे जो रोल्स हैं वो सॉगी नहीं होते। बाज़ दफ़ा जब हम ऐसे ही सारी चीज़ें बग़ैर सब्ज़ियों का पानी खुश किए ऐड कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि रोल्स कुछ देर बाद सॉगी होने लग जाते हैं। तो बस जनाब सब्ज़ियों का पानी जब अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम सारे बाकी के मसाले ऐड करेंगे। मैं यहाँ बिल्कुल इस रेसिपी को सिंपल बनाने जा रही हूँ, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करूँगी मैं। बस यहाँ पे ऐड करूँगी काली मिर्च और सोया सॉस, और ऐड करूँगी ऑयस्टर सॉस, और बस जनाब इसमें हम चिकन डालेंगे और अच्छे से सारी चीज़ों को भून लेंगे। अब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाएंगी, रेडी हो जाएंगी, और एक सब्ज़ियों की और चिकन की मज़ेदार सी खुशबू आने लगेगी। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे बारबेक्यू सॉस, ये इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हम बारबेक्यू चिकन रोल्स बना रहे हैं, तो ये ज़रूर इसमें ऐड होगा। आप चाहें तो स्किप कर दें, आपकी मर्ज़ी है, आप इसे और सिंपल रखना चाहते हैं तो बारबेक्यू सॉस ऐड नहीं करें, लेकिन मुझे बारबेक्यू का फ़्लेवर इसमें अच्छा लगता है तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। इसमें आप नूडल्स भी ऐड कर सकते हैं, चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, जैसा आपको खाना पसंद है आप वैसे ही इसकी फिलिंग, रोल्स की फिलिंग तैयार करें। और बस जनाब बारबेक्यू सॉस ऐड करके मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करूँगी, और ये सारा प्रोसेस हमने तेज़ आंच पे करना है। उसके बाद जब ये अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो फिर हम इसे कर लेंगे डिश आउट, और ये हमारी रोल्स की फिलिंग बनके हो गई है रेडी। यहाँ मैं अगेन उसी पैन में बनाने जा रही हूँ आलू के समोसों की फिलिंग। और ये देखिए, ये मैं तेज़ आंच में इसलिए कर रही हूँ कि मैंने कुकर में जो है वो आलू बॉईल किए थे, तो थोड़ा सा पानी इसमें रह गया था, उसी पानी को ड्राई करने के लिए मैंने थोड़ी तेज़ आंच कर दी थी। तो बस जनाब थोड़े से ऑयल में ज़ीरा ऐड किया है, आलू ऐड कर दिए, जब आलू अच्छे से मैश हो गए, तो फिर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और नमक और ये मैंने ऐड किया है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, ये मैं इन दोनों का मिक्सचर बना के रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है इनकी। बस फिर मैंने हल्दी ऐड की है, और फिर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला। मैं 2-3 तरीक़ों से आलू के समोसे रेडी करती हूँ। ये थोड़ा सिंपल वर्जन बनाया था क्योंकि मैं बहुत सारे कामों में उलझी हुई थी, खाना भी बना रही थी, बच्चों को भी देख रही थी, और जब और साथ ही साथ मेरी हाउस हेल्पर भी आई हुई थी, तो वो सफाई भी उसके साथ करवा रही थी, तो बस बहुत सारे कामों में आज मैं बहुत लगी हुई थी। तो बस जनाब ये मैं बना रही हूँ इमली की चटनी, इसकी रेसिपी भी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। यहाँ पर वही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। ये चटनी दही बड़ों के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, तो ये लाजमी मैं बना के अपने घर में रखती हूँ।
बहुत ही इजी बनके जल्दी से बनके ये रेडी हो जाती है। इमली का पानी लिया है, उसमें ऐड किया मैंने ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च और गुड़, चाहे तो शक्कर यूज़ कर लें, और जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है सोल्ट या जिंजर पाउडर, ये हमने ऐड किया। और बस इसको इतनी देर पकाना है कि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और ये बस हमारी इमली की चटनी पक्के हो गई है रेडी। यहाँ पर जनाब मैं बनाने जा रही हूँ चिकन का कीमा। बोनलेस मैंने एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसे अच्छे से चॉपर में घुमा लिया। इस कीमे को हम यूज़ करेंगे समोसे बनाने के लिए। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ चिकन तंदूरी स्मोकी समोसा। ये बहुत ही मज़े के बन के रेडी होते हैं और बहुत ही इजी और जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने कीमा लिया है, पहले अच्छे से उसको खाली चॉपर में चॉप कर लिया, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया और एक छोटा साशे चिकन तंदूरी मसाले का, मैंने यहाँ पे शान का यूज़ किया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर लें, वो लिया है। और अच्छे से बस इसमें सारी चीज़ें शामिल करके मैंने चॉपर में कीमे को चॉप कर लिया। तो ये हमारी चिकन की मैरिनेशन हो गई, इसे 10 से 15 मिनट आप ऐसे ही रख दें और बस फिर बनाएंगे समोसे। तो गाइज अभी हो रहे हैं रात के 12 और आज फाइनली मुझे भी टाइम मिल गया है रोल समोसे वगैरह बना के फ्रीज़ करने का। तो बस अभी बच्चों को सुला के, ये बड़ा सुकून वाला और रिलैक्स वाला टाइम होता है कि मैं अपनी कोई भी अच्छी सी सीरीज़ या मूवी लगा लेती हूँ और फिर उसके बाद सारा सामान लेकर बैठ जाती हूँ, और फिर चाहे 1 घंटे लगे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे तो वो भले से रात ही लग जाए पूरी, तो वो मैं आराम से अपना ये सारा फ्रोज़न सामान वाला काम निपटा लेती हूँ और फिर आराम से मेरे 10 to 15 days निकल जाते हैं। और अब बच्चों की कल छुट्टी है, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो उनको 2-3 दिन की छुट्टी मिली है प्रिपरेशन के लिए, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा टाइम मिल गया है कि मैं आराम से सुकून से अपना रात में काम करके रख लूँ और सुबह भले थे देर तक सोते रहें और काम निपटाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक गैस की लोड शेडिंग होती है, तो सारा काम सिलेंडर पर होगा। बस ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम में, क्योंकि जो मेरा सिलेंडर है वो बहुत ज़्यादा बर्तन काले कर देता है। अभी मैं पीऊँगी चाय, मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है, बच्चे भी अपने नाइट ड्रेसेस में आ गए, अब वो सोएंगे, इनको मैं सुलाऊँगी और उसके बाद चाय पीते पीते ही अपने सारे काम मैं करूँगी कंप्लीट। तो चलिए जनाब चलते हैं किचन में और करते हैं। इस तरीके से मेरे बर्तनों की हालत हो जाती है, मैं दिखाती हूँ, तो इसलिए मैंने सिर्फ 2-3 बर्तन रखे हुए हैं, सिर्फ इस वाले चूल्हे को यूज़ करती हूँ। तो जब वो निकालती हूँ, एक ये है, एक ये वाला पतीला समझ ले पैन वैन, तो वरना तो बहुत मुश्किल हो जाती है दोनों में। तो बस ये मेरी चाय रेडी हो रही है, इलायची वाली मैं बना रही हूँ चाय। तो बस चाय वाय पी के उसे फ्री होने के बाद मैं आ गई थी अगेन किचन में। मैंने लिए है एक पतीली, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और बस मैं ये सारी मैरिनेटेड चिकन जो हमने थोड़ी देर पहले बना के रखी थी उसे हम अच्छे से भून लेंगे। लहसुन अदरक भी ऐड किया हुआ था तो दोबारा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस जनाब इसे अच्छे से भूनते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और चिकन का कीमा तो ऐसा होता है कि भाप में ही गल जाए, तो हमें इसमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा चिकन जो है वो भूनते भूनते ही बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए ये भूनते हुए कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो बस इस स्टेज पे जब अच्छे से भून जाएगा और हमें एक अच्छी सी खुशबू चिकन के कीमे की आने लगेगी, तो बस यहाँ पे फिर मैं ऐड करूँगी चॉप हुई भी प्याज। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है चिकन के कीमे का। बीफ के कीमे में भी जब बनाते हैं लोग तो प्याज ज़रूर ऐड करते हैं, तो मैंने भी सोचा इसमें प्याज ज़रूर ऐड करूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐड की है प्याज, और जब प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी, कच्चापन प्याज का ख़त्म हो जाएगा, तो फिर मैं शामिल करूँगी इसमें थोड़ी सी हरी प्याज। आप चाहें तो हरी मिर्च, हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने हरी मिर्च इसलिए नहीं डाली कि बच्चे खाएंगे और मुंह में आ जाएगी उनकी, तो वो फिर अच्छा नहीं होगा। और बस यहाँ पर फिर मैं कोयले का धुआँ दे रही हूँ, थोड़ा सा कोयले को गरम किया, उसके बाद प्याज का टुकड़ा रख के मैंने इसे अच्छे से दम लगा दिया 1 से 1.5 मिनट के करीब, और ये देखिए हमारा ये कीमा बनके हो गया रेडी।
तो ये जनाब मैं बनाने लगी हूँ आलू के कटलेट, चीज़ कटलेट्स बना रही हूँ। ये भी बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारा काम हम हाउस मेकर्स को साथ साथ निपटाना पड़ता है, तो मैंने ऐसी चीज़ें चूज़ की हैं जो बहुत इजी टू मेक हो और मुझे टाइम भी ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो उसमें से ये चीज़ कटलेट जो है ये बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाती है और बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो इसलिए मैंने इसे भी बनाया। तो यहाँ पे जो है मैंने आलू लिए हैं, काली मिर्च ऐड की है, अजीनोमोटो, हरी प्याज और बॉइल चिकन ऐड की है। बस यही तीन चार मसाले मैंने ऐड किए हैं और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसकी चीज़ कटलेट बनाना शुरू करेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैंने इस तरह अरेंज करके रख दी है। कमरे में हम बैठे हुए थे और सारा सामान रखा, अच्छी सी सीरीज़ लगाई और हमारा काम हो गया है शुरू। ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ चीज़ कटलेट। बस मैंने शामी कबाब की शेप दे दी, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं उसी शेप में इन आलूओं को किया और बीच में मैंने ये एक चीज़ का टुकड़ा मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और बस इसे हम ओवल शेप दे देंगे या आप चाहें तो बॉल्स की शेप दे दें, जो आपको सही लगे। मैंने इस तरीके से इनकी शेप दी और ये कटलेट भी हमारे बन के हो गए हैं रेडी और ये बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन आलूओं का मसला ये है कि हम इनको ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं कर सकते, आलू पानी छोड़ देते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने बस थोड़े ही बनाए थे कि बस मेरे ये एक दो दिन निकल जाएं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं तो इसलिए मैंने ये ज़रूर बनाए। तो बस इस तरीके से मैंने ये बनाई है और सॉरी फॉर वीडियो, बहुत ज़्यादा काम था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वीडियो सही बन रही है या नहीं बन रही है, बस मैं बनाती ही चली गई। तो गाइस, एक दफ़ा फिर से मैं आ गई थी किचन में पराठे बनाने के लिए और इस टाइम हो रहा था रात के 3। कामों में मुझे बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चला। जब मैं किचन में आई और टाइम दिखा तो देखा कि रात के 3 बज रहे हैं। सहरी में वैसे भी टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से मैंने अपनी आसानी के लिए ये पराठे बना के रख दिए ताकि फिर मुझे सहरी के टाइम पर जल्दी जल्दी ना मचानी पड़े और सारे काम वक्त रहते कम्प्लीट हो जाएँ। और सिपारा वगैरह भी मैं अक्सर सहरी को ही पढ़ लेती हूँ, तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने जितने काम निपटा सकती हूँ निपटा लूँ ताकि मुझे सहरी में परेशानी ना हो। और हमारे यहाँ अभी कुछ पता नहीं है कि सहरी के टाइम पे गैस आएगी नहीं आएगी और सारे काम सिलेंडर वाले चूल्हे पे करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, इसी वजह से मैंने ये पराठे बना के रख दिए। और यकीन कीजिए, बर्तन धोने में मुझे इतनी मुश्किल हुई है, सारे बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो गए थे जगह जगह, मेरे वो स्टील वाले जूने से कट भी लगा हाथ पे, लेकिन धोने तो थे और ये काम भी करने बहुत ज़रूरी थे, नहीं तो टाइम नहीं मिलना था मुझे बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़ी सी रोटी बेली, उस पे घी और मैदे का मिक्सचर लगाया और फिर उसे रोल कर दिया रोटी को, और इस तरीके से मैंने पेड़े बना लिए। इस तरह बहुत आसानी से पेड़े बन जाते हैं। ये देखिए, ये मेरी असल में, मैं बताऊँ, ये मैंने तरीका जो है वो अपनी सास से सीखा था कि कम टाइम में आप जल्दी से जल्दी किस तरीके से रोटी बना लेते हैं। और मैंने माशाल्लाह कोई 35 के करीब पराठे बना के रख दिए थे। ये मेरा पहले पराठों का बैच तैयार हो रहा है यहाँ पे। बस इसी तरह मैंने अपने सारे पराठे बना के रख दिए, बहुत जल्दी और आसानी के साथ बन गए थे। एक एक पेड़ा अलग अलग बनाओ, अलग अलग घी और मैदे का मिक्सचर लगाओ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मुझे कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाने थे, इसलिए सारे जितने भी शॉर्टकट तरीके मुझे आते थे वही मैं कर रही थी। आई एम श्योर आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, जब टाइम कम हो और काम ज़्यादा हो तो ऐसे ही जल्दी जल्दी आप लोग भी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और तैयार करते होंगे, घर में बनाते होंगे। तो बस ये मेरा तरीका है पराठे बना के रखने का। एक मैंने आपको पहले बताया था, वो मैं ऐसे ही कच्चे बना के फ्रीज़ कर देती थी, लेकिन अब ये मैं हल्के हल्के सेक के पराठे बना के रख रही हूँ। इससे ये होता है कि आपस में ये जुड़ते भी नहीं हैं और बहुत आसानी से जल्दी से ये पक्के रेडी हो जाते हैं। तो ये जनाब, ये है मेरे पराठों का पहला बैच और माशाल्लाह ये बहुत अच्छे बन के रेडी हो गए थे। मैं हल्के हल्के सेक के पराठे रख रही हूँ। और जनाब, ये मेरे दही बड़ों की दाल भी
काफ़ी देर की भीगी हुई रखी हुई थी। बस अब मैं इसको कर रही हूँ ब्लेंड, इसका मिक्सचर बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे ऐड की है अदरक, हरी मिर्चें, नमक और बस ये सारी चीज़ें मिला के और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और बिल्कुल स्मूथ सा, क्रीमी सा हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पानी नहीं जाए और इसमें कोई भी सोडा वोडा डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये अच्छे से पिस जाएगी और एक हमें इसका स्मूथ टेक्सचर मिल जाएगा तो हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप इसे हैंड मिक्स की मदद से भी कर सकते हैं लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेरे ख्याल से आधा घंटा तो उसको फेंटना ही पड़ता है जब भी वो अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन के रेडी होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे हैंड बीटर की मदद से अच्छे से बीट कर लिया था और यहाँ पे मैंने 2 से 3 मिनट हाई स्पीड पे इसे बीट किया और ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी फॉर्म हमारा इसका बन के रेडी हो गया है। क्रीम से बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर आ गया है हमारी इन दालों का। तो बस जनाब, जैसे ही आपको लगे कि बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर आ गया है, मिक्सचर बहुत हमारा क्रीमी सी बनकर रेडी हो गया है, तो ये रेडी टू फ्राई है। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से हमारा दही बड़ों का मिक्सचर बन के रेडी होगा। तो बस जनाब, यहाँ पे इसको मैं आपको चेक करने का बता रही हूँ। एक प्याले में पानी लें और थोड़ा सा दही बड़ों का मिक्सचर आप पानी में डालें और जब ये पानी के ऊपर फ्लो करने लगे तो इट्स मीन ये बिल्कुल सही परफेक्ट बीट हुए हैं। और यहाँ पे मैंने एक पतीली कह लें, पैन कह लें, से कुछ भी कह लें, उसमें तेल गरम किया है और सारे देखिए इस तरीके से मैंने दही बड़ों का बैटर तेल में डालना शुरू कर दिया है और ये देखिए कितने अच्छे इसमें एयर पॉकेट्स बनने शुरू हुए हैं। और इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है, कोई सोडा, कोई बेकिंग पाउडर, कुछ ऐड नहीं हुआ है। बस इसे अच्छे से बीट करना है तो ये आपके इतने सॉफ्ट और फ्लफ़ी बन के दही बड़े रेडी होंगे। और ये देखिए जनाब, बस बिल्कुल इसको लाइट ब्राउन करने हैं, बिल्कुल लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर वो ऊपर से जो दही बड़ों का टेक्सचर है वो कड़क कड़क सा हो जाता है, तो वो मुझे समझ नहीं आता। अगर आपको वैसे सही लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। तो बस जनाब, ये देखिए हमारे कैसे फूले फूले से गुलाब जामुन की तरह दही बड़े बन के हो गए हैं रेडी। और ये देखिए जनाब, सारे दही बड़े बन के रेडी हो गए हैं और ये देखिए कितने अच्छे सॉफ्ट बन के रेडी हुए हैं। तो बस अब मैं इसे थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दूंगी और इसे फिर फ्रीज़ कर दूंगी फ्रीज़र में। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अभी काम मेरे निमट गए हैं और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5 और थकन से हो गया है बुरा हाल। पराठे बनाते बनाते खड़े खड़े तो कमर की हालत बुरी हो। किचन भी अल्लाह का शुक्र है सब सिमट गया है, सारे कामों से मैं हो गई हूँ फ्री। अब मैं सोऊंगी, पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सारी रमज़ान की तैयारी हो गई है और ये बनाए हैं वेजिटेबल और चिकन के रोल, बारबेक्यू रोल हैं ये, और आलू के समोसे हैं, ये तंदूरी चिकन समोसा है और ये पराठे और ये चीज़ कटलेट और ये दही बड़ों के बड़े। माशाल्लाह हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। अब बस मैं इसे ऐसे ही फ्रीज़ कर दूंगी, डीप फ्रीज़र में रख दूंगी। अब जब ये थोड़े फ्रीज़ हो जाएंगे उसके बाद फिर मैं बॉक्सेस में करके रखूंगी। और किचन भी नीट नीट हो गया है पूरा, बस वहाँ जो वो बर्तन रखे हैं उसे मैं सुबह अरेंज करूंगी, अभी ये सारे धो के रखें। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।